Hi you guys, welcome back to my channel. This is V Sagavitra Mishra and here we are with a new video after such a long time. I think baith ke hum baat kitne time baat karne wale hain. And from the thumbnail and the title you would have understood ki ye video kis bare mein hai. Plus I did take my sweet time to make this video because what cheeze mujhe apne dimag mein process karni thi and specially jo cabin crew aspirants hain ya normally bhi jo mere subscriber hain unko ek journey ke bare mein pata lage ki maine kyu choda hai. क्यों एकदम मेरे करियर के पीक टाइम पे मैंने इतना मेजर डिसीजन लिया है. सो आई थिंक द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन माय चैनल इज आपको इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन कर रहे हो या आपकी शादी हो रही है या फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो जो भी है हम हर चीज का आंसर करेंगे. सो प्लीज पूरा वीडियो देखो एंड ऐसा ही वीडियो स्किप करके मत देखना वरना पाप लगेगा क्योंकि फिर तुम लोग गलत सलत बातें सोचते हो कुछ भी कॉमेंट करने लग जाते हो. तो प्लीज ये मत करना, पूरी वीडियो देखना. So before you know starting up with a video that why did I leave, I would like to tell you first that why did I join aviation. So most of you would be aware of the story that I was doing modeling and then I sort of failed in that department. So I chose aviation and 19 year old I was. So I think 19 year old ke liye best decision tha ye us waqt jisko job chahiye tha. I was very desperate to earn something of my own and kamana was my priority. So us hisab se jab mujhe job mili thi ye best job thi and I have no question about this thing ki mujhe kuch kam mila hai and I always have this gratitude in my mind ki mujhe mili ye job. So when I became a cabin crew at the age of 19, I was staying in Delhi. I had to shift to Chennai for 1 year as they told, but फिर कोविड आ गया तो मुझे वहां तीन साल ढाई से तीन साल रहना पड़ा था. तो एवरीथिंग वॉज गुड, लाइक 6 months मैंने फ्लाई किया, 6-7 months कोविड नहीं था, सब कुछ अच्छा बढ़िया जा रहा था. फिर कोविड आ गया एकदम से, काफी सारे एम्प्लॉय ले ऑफ हो गया, कट ऑफ्स हो गए, सैलरी कट ऑफ्स, जो हमारा अलाउंस था इंटरनेशनल अलाउंस वो बंद हो गया, नॉर्मल अलाउंस भी बंद हो गए, नॉर्मल जो पे मिलते थे फ्लाइंग के सब खत्म हो गया था. पर पता नहीं क्यों मैं ना हमेशा इस चीज में रहती थी, भाई कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास जॉब है. मैं हमेशा ग्रेटफुल में ही रही हूँ इस जॉब के लिए कि यू नो मेरे सामने व्हेन यू स्टे विद एम्प्लॉयज नो दे डिस्कस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स बट आई नेवर यूज टू रिलेट विद देम बिकॉज आई फील कि यार इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, अगर आपको इतनी बुरी लग रही है जॉब, जो भी मतलब बैग बिचिंग करते हैं, एयरलाइन या कुछ भी करते हैं, मुझे हमेशा फील होता है कि देन डू get up and do something to change it if you're not liking your current situation. So covid ke baad bahut like sach batao na guys bahut negative environment ban gaya tha airline industry mein employees ka, kyunki hum cabin crew hum literally roz naye naye log ke sath fly kar rahe, to sabka mindset ek ho gaya tha ki hamara pay cut itna kyu ho raha hai. Whereas main bahut contrary mein chal rahi thi us time pe ki koi baat nahi yaar, matlab at least we have a job and maine maybe एक हर इंसान का एक ड्रीम होता है ना, मेरा ड्रीम जॉब नहीं था कैबिन क्रू. आई वॉज ऑलवेज वर्किंग ऑन समथिंग, बैकअप पे चल रही थी, मतलब अपना बैकअप पे हमेशा काम करती रहती थी, बी रीडिंग, बी मेकिंग वीडियोज, बी स्टडिंग, हमेशा मतलब मुझे पता था मेरी ड्रीम जॉब नहीं है, मुझे कुछ टाइम बाद छोड़ना है, तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं करता था. बट फॉर द पीपल जिनकी ड्रीम जॉब है काफी लोगों की एंड दे वॉन्ट टू बी ह्योर एंड दे वॉन्ट अ फ्लरिश, दे वॉन्ट अ ग्रो, दे वॉन्ट अ गिव देयर ऑल योर्स, अपनी जिंदगी का काफी टाइम दे रहे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. अब जैसे कोविड में ये सब चीजें थी तो ये थॉट प्रोसेस चल रहा था कि चलो भाई कोई नहीं, पैसे मिल रहा है वही बहुत है. पर जब कोविड चला गया तो हमें दिख रहा है कि भाई अब फ्लाइट्स फुल जा रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तब किस हिसाब से हम पे कट ले रहे हैं. तो हमें बहाना दिया जाता था कि कॉस्ट भी तो रिकवर करना है, जो जो लॉस हुए हैं कोविड में, ठीक है फाइन. बट स्टिल अभी तक लाइक 3 months हो गए थे मुझे छोड़े हुए, तब तक भी मतलब इट वॉज लाइक पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोविड में हम इससे अच्छा अर्न कर रहे थे, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो वाई आर वी नॉट अर्निंग सो मच. एंड वेन यू आर गिविंग 100% टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टिल यू नो यू फील कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल कुछ अलग है, आपके पर्सनल गोल कुछ अलग है. इट्स नॉट अबाउट सैलरी, आई एम टॉकिंग अलॉट अबाउट सैलरी बिकॉज सैलरी वॉज अ मेजर कंसर्न इन ऑल दोज 4-5 years. बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है कि जो आपके एफर्ट्स है उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करे, उसको बताए कि हाँ आप अच्छा करे हो बुरा करे हो. कुछ भी चीजें जब नहीं होती है तो आपको एज एन एम्प्लॉय फील होता है कि मैं हुई यहां पे क्यों, लाइक आई शुड लीव, आई शुड फाइंड समथिंग विच यू नो अपलिफ्ट्स मी, मोटिवेट्स मी टू डू बेटर इन लाइफ, रेदर देन यू नो ऐसा हो गया था विथ ऑल द एम्प्लॉयज की दे वर जस्ट शोइंग अप फॉर द सेक ऑफ इट. तो मुझे एट टाइम्स बहुत नेगेटिव लगता था बिकॉज आई एम अ पर्सन हु नोटिस अलॉट, तो मुझे ये चीज फील होती थी कि भाई क्या गलत हो रहा है. तो
एक वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ लीविंग दिस जॉब ये था कि मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्टेशन से मतलब कुछ भी मैच नहीं हो रहा था. मुझे लग रहा था कि मेरे लिए नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, दिस दे जस्ट वॉन्ट टू बी ऑन देयर ओन, डू देयर ओन गुड थिंग्स एंड दे डोंट रियली केयर अबाउट अस. आई फेल्ट दैट लॉट ऑफ टाइम्स. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो ही रही है, चीजें हो रही है, तो वाई नॉट ट्राई फॉर अदर एयरलाइंस. तो मैंने एक बार कतर एयरवेज का इंटरव्यू हुआ, उसका भी सेकंड थर्ड राउंड तक मैंने क्लियर कर लिया था, बट देन समथिंग हैपेंड एंड इट नेवर मेल्ड मी बैक, आई डोंट नो व्हाई. फिर मैं एतिहाद एयरवेज के इंटरव्यू में गई और बहुत अच्छा था चीजें. देखो टू बी ऑनेस्ट, मैं बार बार यही चीज आपके सामने लेके आऊंगी कि मेरी ड्रीम जॉब नहीं है कैबिन क्रू. आई हैव अदर ड्रीम्स, आई हैव अदर प्लान्स विच आई एम वर्किंग ऑन, एंड दिस वॉज अ थिंग विच आई थिंक मुझे मैं मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे ये जॉब मिल गई एंड मैंने बहुत सारी चीजें से सीख ली. बट जितना होता है ना कि आप किसी चीज से सीख सकते हो, ले सकते हो, जितनी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं उतना कर चुकी हूँ. लाइक आई हैव टेकन इनफ थिंग्स फ्रॉम इट, इनफ लर्निंग्स, जिसको मैं जोड़ के अपने गोल्स पे काम कर सकती हूँ. उस वक्त बीइंग 19 ईयर ओल्ड तो एक ड्रीम था कि बस कमाना है कमाना है, एंड एविएशन इज नॉट समथिंग कि आप बस सोच लो हाँ कुछ देर हम करके आओ, वो आपके ना एक लाइफ का पार्ट बन जाता है. सेम मेरी भी लाइफ का, लाइक इट्स बिन 3 months, बट जब भी एयरक्राफ्ट मेरे घर के ऊपर से जाता है, सिंस माई होम इज वेरी नियर टू द एयरपोर्ट, तो मुझे याद आती है. बट जहां तक इंटरनेशनल एयरलाइन में जाने की बात है, आई एम अ वेरी वेरी होम सिक पर्सन. लाइक मैं कॉलेज के 3 साल बाहर रही, उसके बाद 5 साल इस जॉब की वजह से, दो मैं आ गई थी यहाँ पे 2 साल पहले, बट स्टिल आई एम अ वेरी होम सिक पर्सन. एंड इफ I want to work on lot of things, I want my family to be there. I'm a very, very family person. Like, मुझे उनका प्रेजेंस मेरे पास होना बहुत जरूरी है. उससे मुझे बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ. एंड आई नो कि इंटरनेशनल एयरलाइन में जाने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इतनी अच्छी सैलरी, इतने डेस्टिनेशन, सब कुछ अच्छा है, बट सब कुछ अच्छा आपको तभी लगेगा वेन यू रियली वॉन्ट इट. आई वॉन्ट वेरी डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइफ विच इज नॉट सिमिलर टू दी थिंग्स एविएशन कैन गिव मी बैक. तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जब आपकी गोल्स कुछ डिफरेंट होते हैं तभी आप समझ पाएंगे. तो हमेशा से मुझे लाइक बहुत सारी चीजें करनी थी, बहुत सारी चीजें करनी थी, एंड वन ऑफ द पार्ट वाज बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो यूट्यूब लकीली इज गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन पुट इन माई पोटेंशियल एंड आई कैन शो केस माई टैलेंट हियर. मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, मुझे यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिखता है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का. तो आई देन चोज कि नहीं, मुझे इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं ज्वाइन करना है. मैं एक बार अपने गोल्स को, एक बार होता ना भाई तूने ट्राई भी नहीं किया, मतलब एक होता ना सेफ खेलते रहे. मुझे पता है कि कैबिन क्रू जॉब एक अच्छी, बहुत अच्छी जॉब है, मुझे यहाँ पे सेफ सैलरी मिलती रहेगी, सब कुछ, मतलब एक सेफ चीज में हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट बी सेफ एनी मोर. आई वॉन्ट वर्क अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं मरना कि भाई नहीं किया तूने ट्राई. बार बार मैं बात रिपीट करी हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट डाई लाइक दिस. आई वॉन्ट ट्राई ऑल द थिंग्स विच आर देयर विच आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ. एंड मैं हमेशा से ऐसी, मेरा ज्यादा टाइम एक जगह एक सेक्टर में मन नहीं लगता. आई हैव टू कीप स्विचिंग. आई एम अ पर्सन हु लव्स डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टूगेदर, लाइक स्किल्स लर्न करना ही हो गया, बहुत सी चीजें हो गई. मतलब अगर आप मुझे बोलोगे ना सिर्फ कैबिन क्रू की जॉब कर, मैं नहीं कर सकती. मेरे लिए इतना बोरिंग हो गया था एक साल जब मैंने कैबिन क्रू की सिर्फ जॉब की थी. व्हेन आई स्टार्टेड विद माय यूट्यूब चैनल एंड आई वाज अ फुल टाइम क्रिएटर एज वेल, आई मीन गिविंग माय एफर्ट्स टू यूट्यूब क्रिएशन इक्वली लाइक माय जॉब, तब मुझे थोड़ा बेटर सेम फील हुआ. लाइक आई हैव टू बी हियर एंड देयर, लाइक एवरीवेयर आई वांट टू बी. And I'm still, I'm 25 and I feel that I'm still figuring out my life and there are a lot of decisions which I have to take for myself for the growth. So yeah, there are no chances for now that I'm joining back to Air India or Indigo or Etihad. No, I have left and I know aap log ye bhi bologe ki kya aap Air India kyun nahi join kar lete ho, wahan to flying achhi hai. Yes, Air India is one of the highest paying airline in India right now and they are giving all the perks jo milne chahiye actually cabin crew ko. But still, as I told you before ki mera ye decision hai due to what reasons, to main us pe stick karna chahti hu and I want to live my life right now on my own terms rather than being on the safe platforms ki सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है. आई वॉन्ट टेक रिस्क एंड आई एम वेरी ओपन टू टेकिंग रिस्क. एंड जहां तक शादी की बात है, दिस ऑल्सो क्वेश्चन कीप्स कमिंग कि पक्का आपकी शादी हो रही है, यू फाउंड समवन, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट दिस जॉब. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वुड आई लीव माई जॉब इफ आई एम गेटिंग मैरिड, एंड इफ आई विल ओनली लीव माई जॉब वेन आई फील लाइक इट्स नॉट अबाउट कि मुझे ये सब डिसीजन और ये सब बातें भी मुझे बहुत बचकानी लगती है कि किसी की शादी हो रही है तो जॉब छोड़े. हाँ, सबके पर्सनल रीजन होंगे, पर ऐसा कभी मेरी लाइफ में नहीं होगा कि आई लीव अ जॉब बिकॉज आई एम गेटिंग मैरिड. एंड आई थिंक दिस इज वेरी क्वेश्चनेबल थिंग कि आप किसी को जज कर रहे हो उस बेसिस पे.
एंड आई थिंक इट इज एवरीवन्स पर्सनल डिसीजन कि वो क्यों छोड़ रहे हैं, शादी करना नहीं करना, बट इस बात को इस चीज से रिलेट करने का कोई तुक नहीं बनता. एंड जहां तक शादी की बात है, नहीं भाई कोई शादी नहीं हो रही मेरी, 4-5 साल आई एम वेरी वेरी सिंगल इन माई लाइफ. बट या इफ 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 थिंग्स हैपन वेरी नाइसली तब देखते हैं, तब सोची जाएगी. बट अभी आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माई करियर, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत चीज पे फोकस करना है, टचवुड सब अच्छा जाए. आई थिंक जो भी आप कॉमेंट्स में बोल रहे थे मैंने सब चीज का तो जवाब दे ही दिया है. दैट आई एम नॉट जॉइनिंग एनी इंटरनेशनल एयरलाइन. आई डिड एक्सप्लेन यू व्हाई आई कैन लेफ्ट इंडिगो, दो देर आर लॉट मोर रीजन्स एंड आई डोंट वॉन्ट गेट यू नो डीप इन टू इट कि क्या ठीक है जो चीज थी मैंने अपना पॉइंट रखा वो नहीं फिक्स हुई, छूट जाती है चीज, मैं उसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करती. एंड द फोर्थ थिंग विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट इज जो भी नए नए एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैबिन क्रू बनना चाह रहे हैं, मैं वैसे एक डिटेल डिसएडवांटेज और एडवांटेज की वीडियो आफ्टर लीविंग भी बनाना चाहूंगी, सो दैट जो नए नए एस्पिरेंट्स उनको पता लगे कि व्हाई आई एम आस्किंग यू टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. बट बिफोर ज्वाइनिंग एनी एयरलाइन और एविएशन एज एन होल, बहुत सारी चीजें याद रखना गाइस कि क्या आपको छोड़ना पड़ेगा और क्या पर्क्स होंगे. तो ऐसा ना हो कि कभी डिसएडवांटेजेस भारी पड़ जाए, सबको बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपको इसके जॉब में. अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे तो इस सेक्टर में आपका सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. और जो नए नए बच्चे हैं 17-18 कैबिन क्रू बन रहे हैं, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल. मेरा हेल्थ थोड़ा सा ऑन टॉस लास्ट के 6 मंथ्स में चला गया था बिकॉज आई यूज टू ऑलवेज स्नीज. और जिनको URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, और अगर आप फ्लाई कर रहे हो और आपको रेगुलरली और आप रेगुलरली छुट्टी भी नहीं ले सकते, तो आपके लिए बहुत खराब है. आपका ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है, आपको बहुत सी बीमारियां और भी हो सकती है. तो लास्ट के 6 मंथ्स आई हैड टेकन एंड अमाउंट ऑफ सिक लीव्स एंड आई वॉज नॉट कीपिंग वेल बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू बैलेंस. ऐसा हो रहा था कि मैं घर आ रही थी, मैं जा रही थी, घर आती थी, 12 घंटा का या 10 घंटे का रेस्ट होता था, रेस्ट करा गई. मेरी मम्मी भी फेड अप हो गई थी, समडे यू आर गोइंग एट 2 o'clock, समडे 4 o'clock, देन अगेन 2 o'clock, लाइक व्हाट इज योर लाइफ, आर यू इवन गेटिंग टाइम टू स्लीप. और जो सोने का टाइम होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, हम रात में ही सो सकते हैं, ठीक है. और हम कितना भी, आई नो वी आर वेल, अभी 5 साल में तो आई हैव बिकम वेल ट्रेन टू स्लीप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन इट डज इफेक्ट्स योर हेल्थ एंड एवरीथिंग यार. मतलब बहुत बहुत सारी चीजें थी जो मुझे एंड मूवमेंट पे इफेक्ट करने लगी थी, जो इतनी पहले नहीं करती थी. बिकॉज जब आपका हेल्थ खराब होता है ना, तो सारी चीजें साइड हो जाती है, आपका हेल्थ ही कंसर्न बन जाता है. इट्स लाइफ के जितने गोल्स हो, सब कुछ हो, सब आप साइड कर देते हो. बस क्यों? क्योंकि आपको हेल्थ वाइज ठीक रहना है. तो हेल्थ पे अफेक्ट होना दो, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें हो जाती है फ्लाइंग के बाद, बैक का इशू हो जाता है. बहुत 100 reasons यू विल हियर फ्रॉम कैबिन क्रू दैट दे हैव बिकॉज दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ व्हेन दे वर इनिशियली फ्लाइंग व्हेन दे वर यंग. एट द एज ऑफ 17-18, इफ यू आर यू नो इफ यू आर स्टार्टिंग टू फ्लाई नाउ, इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ कैबिन क्रू, रिमेंबर बैलेंसिंग. बैलेंस करना लाइफ को बहुत ज्यादा जरूरी है, विथ योर हेल्थ, विथ योर सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज को बैलेंस करोगे तब हर जॉब अच्छी है. बट यू हैव टू लर्न बैलेंस. यू हैव नथिंग अगेंस्ट दिस जॉब एंड नथिंग अगेंस्ट दिस जॉब. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस जॉब. बट ठीक है, मेरी जर्नी फ्रॉम एविएशन यहां से खत्म होती है एंड आई एम स्टार्टिंग माई न्यू लाइफ. संगमित्रा 2.0 इज कमिंग विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. यू गाइज वोंट इवन एक्सपेक्ट कि ये चीजें आने वाली है. यूट्यूब से हम कनेक्टेड रहेंगे, इंस्टाग्राम भी आप इन्हें फॉलो कर लो, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अपना यूजर नेम. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ कॉन्टेंट विच इज कमिंग ऑल द वे. And let's hope सब अच्छा जाए. So that's it. बहुत random video था. Thanks for watching. If you like the video, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.